नमस्ते बच्चों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन न। यह व्यंजन हमारी ट की लाइन का आखिरी व्यंजन है। ओके, तो देखो व्यंजन न से कोई शब्द नहीं बनता है, इसीलिए हमें कोई भी पिक्चर नहीं दिया हुआ है। हम इसकी कविता देखेंगे। न खाली का राज जान लो, रोज टहलना सुबह मान लो। फिर से एक बार बोलेंगे। न खाली का राज जान लो, रोज टहलना सुबह मान लो। ठीक है, अभी हम देखेंगे व्यंजन न कैसे लिखते हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ऐसे यू कर्व बनाना है, उसके बाद साइड में एक स्टैंडिंग लाइन बनाना है, और स्टैंडिंग लाइन हमें नीचे वाली लाइन को टच करना है, एंड देन गिव स्लीपिंग लाइन ऑन अप साइड। ये बन गया हमारा व्यंजन न। फिर से देखो, यू कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ऑन अप साइड, व्यंजन न। यू कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ऑन अप साइड, व्यंजन न। ठीक है, ऐसे आपको व्यंजन न की प्रैक्टिस अपनी टू लाइन नोटबुक में भी करना है। अभी हम करेंगे ट की लाइन की रिवीजन। फिर से हम एक बार दोहराएंगे ट की लाइन कैसे लिखते हैं। ओके, देखो पहले आता है ट, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, गिव स्लीपिंग लाइन अपसाइड, ट से टमाटर। ट के बाद आता है ठ, स्टैंडिंग लाइन, जॉइंट सर्कल, स्लीपिंग लाइन अपसाइड, ठ से ठठेरा। ठ के बाद आता है ड, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, अगेन जॉइंट हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन ऑन अपसाइड। ये है हमारा ड। ड से डमरू। ड के बाद आता है ढ, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, कीप नॉट इन साइड, स्लीपिंग लाइन अप साइड, ढ। ढ से ढक्कन। और आखिरी व्यंजन है ट की लाइन का न। यू कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन अप साइड, न। तो ये हो गई हमारी ट की लाइन। ट, ठ, ड, ढ, न। ऐसे ही आपको लाइन की प्रैक्टिस भी अपनी टू लाइन नोटबुक में करना है। समझ में आया? ओके, बाय बाय।